मैं मुकेश कुमार शर्मा ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरएससीआईटी नई वाली बुक है जो आरएससीआईटी की 2019 वाली, उसका लेसन नंबर 7 है और जिसमें से हम टॉपिक आज जानने वाले हैं ई मित्र के बारे में। ई मित्र क्या है, कब स्टार्ट किया, किस सरकार ने स्टार्ट किया, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ई मित्र की लाइनें हमें याद रखनी है, नागरिक सेवाओं के लिए त्वरित और सुविधाजनक डिलीवरी के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार ने 2004 में ई गवर्नेंस के लिए ई मित्र प्लेटफॉर्म की स्थापना की थी, यानी कि राजस्थान सरकार ने ई मित्र की स्थापना की है प्लस 2004 के अंदर इसको स्थापना की। इसके अंदर लगभग 250 से प्लस सर्विसेज है ई मित्र पे, जो दो प्रकार की सर्विसेज है जिनमें G2C और B2C दो प्रकार की सर्विस है। G2C में वो सारी सर्विस आती है जो गवर्नमेंट वाली होती है, अर्थात गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट की सारी सर्विस डायरेक्ट किसके ऊपर जाती है, किसको मिलती है, नागरिक को मिलती है। उनमें ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है, नंबर एक है टैक्स डिपार्टमेंट, आप कोई भी टैक्स जमा करना चाहते हो ई मित्र के माध्यम से कर सकते हो, यानी कि GST भी जमा कर सकते हो। एक है जयपुर विकास प्राधिकरण सर्विसेज, ये जयपुर प्राधिकरण की जो सर्विसेज है वो इसमें उपलब्ध है, आप ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से बस वगैरह के टिकट कर सकते हो, रिजर्वेशन करा सकते हो। एक है मनरेगा, मनरेगा की सर्विसेज है जो वो ई मित्र के माध्यम से उपलब्ध है, गवर्नमेंट की सर्विस है। एक होता है नगर निगम, नगर निगम की जो सर्विसेज होती है वो सारी सर्विस हम ई मित्र के माध्यम से ले सकते हैं, अर्थात नगर निगम का कोई हमें कुछ पेमेंट करना है किसी चीज का तो वो ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। पंचायती राज, पंचायत राज में एक सर्विस होती है लीज ऑफ रेजिडेंशियल लैंड, तो वो भी इस ई मित्र पर उपलब्ध होती है। हम लोग बात करते हैं B2C की, B2C के अंदर बिजनेस टू कंज्यूमर जो होता है, अर्थात जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी सर्विसेज डायरेक्ट कस्टमर के लिए मिल रही है वो B2C में है। ई मित्र ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं, एयरटेल है, आइडिया, वोडाफोन, जियो, इनकी जो सर्विसेज है वो ई मित्र पे उपलब्ध है, जैसे रिचार्ज वगैरह, एक ICICI या फिर कोई अन्य बैंक है उनके इंश्योरेंस वाली जो प्रीमियम है वो जमा हो सकते हैं ई मित्र के माध्यम से। LIC की प्रीमियम है जो वो आप ई मित्र के माध्यम से जमा कर सकते हो। मोबाइल प्रीपेड जो होते हैं उनका रिचार्ज आप यहाँ से ई मित्र से कर सकते हो। किसी भी DTH का रिचार्ज आप ई मित्र के माध्यम से कर सकते हो। Amazon ऑनलाइन बाजार भी यहाँ पे उपलब्ध है, उससे आप परचेजिंग कर सकते हो। एक इसमें बहुत अच्छी सर्विसेज है, ये है आस्क मी डॉक्टर सर्विस, यानी कि ई मित्र के माध्यम से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और उसको आप दिखा सकते हो। दूसरा है LED बल्ब वितरण, LED बल्ब वितरण भी इसमें उपलब्ध है ई मित्र पर। ऐसे और भी सुविधाएं हैं, ये 250 प्लस लिखा हुआ है लेकिन ये कम से कम 400 से प्लस सर्विसेज पहुंच चुकी है अभी तक, क्योंकि इसमें जो भी नई सर्विस आती है अभी कुछ समय पहले, जैसे PSEL अभी भी चल रहा है, PSEL के जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने थे उनको ई मित्र के माध्यम से जोड़ दिया गया था। ऐसे आने वाले समय में ये सर्विस बढ़ती जा रही है। और यदि हम ई मित्र की सेवा लेना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.emitra.rajasthan.gov.in, इस वाली वेबसाइट को आप किसी भी ब्राउजर में लिंक कर और ई मित्र की सुविधाओं का यूज कर सकते हो। और इसके लिए एक ID की आवश्यकता होती है जो SSO ID है, और SSO ID को मैं इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दूंगा, उसमें आप देख के इसको वीडियो को और SSO ID बनाना सीख सकते हो और ई मित्र की सुविधाएं सीख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।